अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार 2023 मॉडल। आज हमारे पास सुपरस्टार गाड़ी भी आ गई है। वीडियो में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंशाल्लाह हमारे पास यूनिक भी आ रही है, सुपरस्टार भी आ रही है। सुपरस्टार तो फिलहाल पहुँच चुकी है और बाकी यूनिक भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुँचेगी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो में अपडेट दे लूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मार्केट क्या प्राइस चल रही है और हम क्या प्राइस दे रहे हैं ये आप इस वीडियो में बता देंगे। तो बाकी सुपरस्टार क्वालिटी तो आपको बहुत अच्छी है। काफ़ी कस्टमर डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर सुपरस्टार है या नहीं है, लेकिन सुपरस्टार भी हमारे पास आ गई है। सुपरस्टार क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसके स्टिकर की बात करें तो इसका स्टिकर देखें, इसका स्टिकर तो पहले से भी काफ़ी खूबसूरत आ रहा था, लेकिन इसका स्टिकर सबसे खूबसूरत है। बाकी इसका स्टिकर देखिए, ब्लू कलर के शेड आया हुआ, जैसे 2022 में ये इसमें पर्पल लाइन आई हुई थी, और ये अभी टोटली इन्होंने ब्लू और येलो कलर का कलर कर दिया। और बाकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी फिनिशिंग वगैरह देखें कलर में। और बाकी इसके बाद इसके कलर की बात करें ना, तो इसके कलर वगैरह देखिए, ये क्रोम वगैरह ये कलर है ना, ये कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हालांकि यूनियन स्टार भी यही कलर दे रहा था, लेकिन यूनियन स्टार से भी इसकी कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। और बाकी इसके हेड की बात करें, सिलेंडर की बात करें, तो इसकी ये इन्होंने सिलेंडर भी 90 का ही दिया हुआ, क्योंकि यूनियन स्टार और सुपर स्टार पहले सुपर स्टार भी तकरीबन 78 का दे रहा था, लेकिन इसने 90 का हेड दिया हुआ है और सिल्वर वाला दिया हुआ जो होंडा के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी इसके कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो चलें बाकी इसकी बात करते हैं, इसकी असेंबली वगैरह की। तो इसकी असेंबली वगैरह भी ऐसे फील हो रहा है जैसे होंडा की प्रेसिंग होती है ना, सिम होंडा वाली असेंबली डाली हुई है। और बाकी इसके मीटर वगैरह, मीटर इसका अलग है, बाकी सबसे अलग है। जैसे इसमें मीटर होंडा और बाकी सुपर पावर दे रहे हैं, डल कलर में दे रहे हैं, मेट कलर में, तो ये आपको शाइनिंग वाला मीटर है। और इसके अंदर LED है, जैसे यूनियन स्टार के अंदर LED आई हुई है ना, इसके भी अंदर भी LED है। और बाकी ये मैं जब फिटिंग करूँगा तो फिर इसका पूरा रिव्यू वीडियो मैं आपको बनाऊँगा, इसका साउंड भी आपको टेस्ट करवाऊँगा। और बाकी इसके जो क्वालिटी मटेरियल क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी डाली हुई है, इसका बॉडी गार्ड वगैरह देखें। और बाकी इसकी शाइनिंग की बात करें, जैसे क्रोम में देखें, इसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी शाइनिंग है, बाकी से बहुत ज़्यादा इसमें, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें क्रोम दिया हुआ है। और इसकी तीलियों की बात करें तो बाकी मैट कलर की तीली दी है, लेकिन इसमें इन्होंने क्रोम वाली तीलियाँ दी हुई हैं। और इसका रिम बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और इसका टायर उन्होंने वही 4 प्लाई के टायर दिए, ये लिखा हुआ है नज़र आ रहा है, नायलॉन का टायर लिखा हुआ है, 4 प्लाई के टायर है, इसमें कोई चेंजिंग इन कंपनी नहीं किया, ये वही पुराना है। और बाकी इसके एक चीज़ है, बाकी इसकी जैसे चैन कवर हो गया, चैन कवर देखा जाए तो जैसे होंडा वाला लगा हुआ है ना, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, और मतलब मोटी चादर जो होती है फील ऐसे हो जाता है। बाकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, मतलब कि बिल्कुल बारीक होता है, लेकिन इसके चैन कवर क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका मड़ी गार्ड वगैरह देखें तो ये भी वही होंडा वाले डर LD का है, LD जैसे होंडा यूज़ करता है तो इसमें भी LD यूज़ किया गया। और बाकी इसके कलर पार्ट्स वगैरह इसकी कंप्लीट देखा जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी पसंद आई है। और इसका स्टिकर भी काफ़ी खूबसूरत है। बाकी इसकी ब्रेक्स देख बात करें तो इसके इंडिकेटर टोटली उन्होंने होंडा वाले दे दिए हैं, वो मूवेबल वाले, ये देखें यहाँ से मूव हो सकते हैं कि बंदा ऐसे ऊपर नीचे करते हैं जिससे टूटने के कोई खतरा वगैरह नहीं होता, सेम वही चीज़ है। और बाकी इसके जैसे होंडा की बैकलाइट में आ रही पट्टी आ रही थी ना, ये प्लास्टिक कलर की प्लास्टिक की पट्टी आ रही थी, तो ये वही प्लास्टिक की पट्टी डाली हुई है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये भी सेम होंडा वाली की है। क्योंकि अभी तो टोटली कंपनी जो भी है ना, जिसको भी देखेंगे, अभी फ़िलहाल आपकी सुपर पावर सिर्फ ये लोहे की दे रही है पट्टी, बाकी टोटली वही होंडा को कॉपी करके ये प्लास्टिक की देते आ रहे हैं। और इसकी बैकलाइट की बात करें तो इसकी बैकलाइट भी वही सेम होंडा वाली है। और बाकी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी हमारे पास इंशाल्लाह सुपरस्टार भी आ गया, यूनिक भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुँचेगी। तो हमारे कस्टमर रिव्यू काफ़ी आ रहा था कि सुपरस्टार आपके पास क्यों नहीं होती, सुपरस्टार मार्केट चल रही है आपके पास नहीं होती, तो हमारे पास सुपरस्टार भी पहुंच चुकी है गाड़ी। इंशाल्लाह आप आगरा ट्रेड को विज़िट करें, आपको मार्केट से प्राइस कम ही मिलेंगी यहाँ पे। और इसमें सिलेंसर भी इसका LD का यूज़ किया गया, जो होंडा के अंदर LD पार्ट्स यूज़ करते हैं ना, इसका सिलेंसर भी LD का यूज़ हुआ है। और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा LD, ये
ELD वही हंड जो आपका होंडा यूज़ करता है, टोटली पार्ट वही ELD के। और इसकी ब्लैक कलर शाइनिंग देखें, मतलब कि गाड़ी ऐसे दूर से अट्रैक्टिव है बिल्कुल। गाड़ी दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और इसके क्रोम वगैरह की बात करें तो क्रोम इसका बहुत अच्छा है, हैंडल का क्रोम देखें, ये भी सेम हो गया होंडा वाला डाला हुआ है। इसके अंदर पूरा रोड है, जैसे होंडा में रोड होता है ना, तो बाई चांस एक्सीडेंट की सूरत में ये ऐसे मूव हो जाता है, तो ये इसमें पूरा रोड है, आपके इससे ख़तरा वगैरह की कोई बात नहीं। और बाकी इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक भी इसका काफ़ी खूबसूरत है, इसमें कलर वगैरह बहुत अच्छे हैं। और इसका फ्यूल टैंक भी तकरीबन बाकी गाड़ियों से, तो जैसे यूनियन स्टार का फ्यूल टैंक और यूनाइटेड का फ्यूल टैंक थोड़ा चौड़ा लगता है, सही है बड़े, लेकिन इसका बिल्कुल फ्लैट है। तो फ्यूल टैंक में इन्होंने वही पुराने वाला लिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। और बाकी इसकी सीट की बात करें तो इसकी सीट से ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कि बिल्कुल ही नरम सीट है, जैसे सुपर पावर और यूनियन स्टार की ऐसी फील, जैसे नई गाड़ी होती है ना उसमें सीट इसकी बहुत हार्ड होती है, लेकिन इसकी सीट काफ़ी नरम है। चलें प्राइस की बात करते हैं, तो मार्केट इसकी चल रही है 1,12,000 रुपये, लेकिन अगर ट्रेडर पे आपको इंशाल्लाह ये गाड़ी मार्केट से पहले की तरह, बाकी गाड़ियों की तरह ये भी मार्केट से कम मिलेगी, अगर ट्रेडर पे आपको ये 1,09,000 रुपये विद रजिस्ट्रेशन के साथ पड़ेगी। तो इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है और रेड कलर भी अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द अगर ट्रेडर पर मैं एड्रेस मैंशन कर दूँगा और नंबर भी दे दूँगा, आप यहाँ विज़िट करें, इंशाल्लाह मार्केट से कम प्राइस में ही आपको यहाँ पर गाड़ी मिलेगी। और बाकी इसकी साउंड टेस्ट भी और कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी नेक्स्ट दे दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और बाकी गाड़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बाकी इसके कलर क्वालिटी मटेरियल इसके क्रोम वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है बाकी सब गाड़ियों से, यह आपको इसमें फ़ील हो रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि इस तरह मालूमाती आपको वीडियो मिलती रहे। और ये जो 1,09,000 के रेट है ना, ये आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगे, फिर भी आप हमारे पास इंशाल्लाह चक्कर लगाएं तो आपको मज़ीद इसमें जो होगा वो करके देंगे। और बाकी एक और चीज़ बात करें तो इसको देखें, जैसे ये होंडा वालों ने टी डाली हुई है ना, ये बिल्कुल कलर किया हुआ है, अक्सर करते हैं ये बफ़ कलर का करके दे देते हैं कि बफ़ में होता है कि कलर थोड़ा थोड़ा ब्लैक होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी देखें, ये पूरा जैसे होंडा वाला कलर करके देते ना मट्टी कलर, ये भी पूरा कलर किया हुआ है इन लोगों ने, ये चेंजिंग हुई है इसमें, मतलब कि ये पूरा कलर है। और बाकी इसके ये यहाँ पे रंग वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लग सकता, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो चलें वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।